हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे टू स्टडी पर। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 37 को, जो कक्षा 6 to 8 के लिए है। सबसे पहले बच्चों, आपको अपना यहाँ पर नाम, उसके बाद अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ लिखना है। अब आइए देखते हैं वर्कशीट को। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछें, कमेंट करें। आइए अब हम देखते हैं अपनी वर्कशीट को बच्चों। अभी 2 दिन पहले हमारा नेशनल फेस्टिवल गया है, नेशनल फेस्टिवल स्वतंत्रता दिवस। आई होप कि आप सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, खूब मौज मस्ती की होगी अपने दोस्तों के साथ, पतंगे उड़ाई होंगी, झंडा फहराया होगा। बच्चों, जब आपने पतंगे खरीदी, मांझा खरीदा, क्या आपने ये ध्यान दिया कि आपने मांझा कौन सा खरीदा है। बहुत से मांझे बाजार में ऐसे उपलब्ध हैं जो कि हानिकारक हैं हमारी सेहत के लिए, लोगों की ज़िंदगी के लिए, पक्षियों की ज़िंदगी के लिए बहुत हानिकारक हैं। अभी बच्चों मैं न्यूज़ देख रही थी कि पतंग के मांझे से बहुत से पक्षी घायल होकर सड़कों पर गिर गए, बहुत से लोगों का बाइक पे चलते चलते मांझा गले में अटक कर एक्सीडेंट हो गया। तो बच्चों, हमें मांझा खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मांझा कौन सा खरीद रहे हैं। बाजार में प्लास्टिक का मांझा उपलब्ध है, जो कि दुकानदार ये कहकर देता है कि ये वो मांझा है जो दूसरों की पतंग को बहुत आसानी से काट देगा। पर बच्चों, सूती मांझा सही होता है, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता, वो कम हानिकारक होता है। तो हमारी जो वर्कशीट है आज की बच्चों, इसी चीज़ पर है कि जो पतंग का मांझा है कैसे वो हमारे लिए हानिकारक है। आइए देखते हैं अपनी वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस को 2 दिन पहले खुशी से मनाया होगा, आपने इस दिन पतंगे भी उड़ाई होंगी। परंतु पतंग की डोर खरीदते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डोर प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि उससे कई पक्षियों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी खुशी किस काम की जो किसी को दुख पहुंचाए। पक्षियों की उड़ान में बाधा मत बनिए, पतंगों को उड़ाएं और आनंद लीजिए। आइए बच्चों, हम चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर सेक्शन पर। हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टिक की डोर से क्या नुकसान हो सकता है। पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक की डोर हानि रहित लग सकता है, परंतु उससे बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे यह आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का गला घोट सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। यह सड़क पर चलने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर आप एक पक्षी देख रहे हैं, कबूतर, जो कि पतंग की डोर में उलझकर लटक गया है। बच्चों, पक्षियों को भी अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी होती है जितना कि हम इंसान को होती है। उनको आकाश में उड़ने का हक है, वो आकाश में उड़ते हैं। पर हम उस प्लास्टिक के मांझे का इस्तेमाल करके जब पतंगें कट जाती हैं, तो वो जो मांझा है एक छत से दूसरी छत पर, एक खंबे से छत पर, ऐसे मंदिरों की छतों से खंबे पर अटक कर बीच में एक डोर बना देता है, जो कि पक्षियों को नहीं दिखती, क्योंकि वो बहुत ही बारीक डोर होती है और पक्षी आराम से उड़ते हुए आता है और उसमें अटक जाता है। बच्चों, ये उनकी ज़िंदगी के लिए भी उतना ही हानिकारक है जितना कि हमारी ज़िंदगी के लिए है। हम इंसानों के लिए कैसे खतरनाक है ये देखो। ये आराम से सड़क पर चल रहा था और मांझे में अटक कर इसका गला कट गया। बच्चों, प्लास्टिक का मांझा बहुत ही हानिकारक है, किसी की ज़िंदगी, किसी की जान ले सकता है ये। तो हमें ऐसा मांझा इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हानिकारक ना हो। सूती मांझा, सूती मांझा लो, हो सकता है आपकी पतंग जल्दी कट जाएगी, पर क्या वो एक पतंग किसी पक्षी की, किसी इंसान की जान से ज़्यादा प्यारी है? नहीं।
आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, आप एक पतंग का चित्र बनाएं। बच्चों आप इसमें से अपना मन पसंद का कोई भी चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको तीन चित्र दिए हैं। पहला आप इस तरीके से ही बना सकते हैं और आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो पतंग का वैसा चित्र आप बनाएं। बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट नंबर 37 समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको इस वर्कशीट का महत्व पता चला होगा कि मांझा हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, मौज मस्ती करनी है, पतंग भी उड़ानी है पर सूती मांझे के साथ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी एक दो पतंग जल्दी कट जाएंगी पर आप किसी की जान बचा लेंगे ऐसे। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।